नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल बिल मिरर, हर पल आपके साथ। दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है और झारखंड में महाभारत शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही महीनों में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। इसी क्रम में धनबाद जिला के कुआं डोबी स्थित सिबलीबाड़ी में MIM पार्टी की एक बैठक हुई, जहां पे सैकड़ों लोगों ने MIM का झंडा थामकर MIM में शामिल हुए और पुरजोर तरीके से कहा कि इस बार निरसा की धरती पे MIM का झंडा जरूर लहरा। आज की मीटिंग AIM पार्टी के द्वारा की गई है। इसमें हम लोग कम से कम सैकड़ों लोगों ने मिलकर AIM का दामन थामा और शपथ आज लेते हैं कि आज से सिबलीबाड़ी या निरसा विधानसभा से सैकड़ों को तादाद या हजारों को कर देंगे और इंसान आने वाले समय में यहाँ से AIM पार्टी से विधायक भी लड़ने वाली है। इसलिए हम लोग जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करेंगे। बताइए, आप विधानसभा से क्या करना चाहते हैं? हम विधानसभा अभी तो हम AIM को जमीनी स्तर में मेहनत करना चाह रहे हैं और सिलीवाड़ी में हम एक एक घर तक नहीं छोड़ेंगे, हर घर में AIM को झंडा लहराएंगे और आने वाले दिन में AIM को जय हिंद जाएंगे। आज ये जो प्रोग्राम हुआ है सिलीवाड़ी हल्के में हुआ है। आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और सभी ने बहुत ही तहे दिल से इस पार्टी को ज्वाइन भी किया है और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा साथ देने के लिए एक बातचीत रखी गई है और इंशाअल्लाह बहुत ही दो तीन महीने के अंदर यहाँ इलेक्शन होने वाला है। इस पर चर्चा हुई है कि क्या किया जाए, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो लोगों ने मशवरा किया। उन्होंने सबने कार्यकर्ता जितने थे यहाँ पहुँचे हुए, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे भी पहुँचे हुए हैं, तो बातचीत हुई हम सब से, तो इसके बारे में हमारे बताएंगे। आज MIM पे एक बैठक हुआ था यहाँ सिबलीबाड़ी में, तो हम लोग जितने भी कार्यकर्ता जितने भी हैं सब लोग आए थे। हम लोगों ने ये बात को रखा कि MIM को निरसा विधानसभा में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, तो इस पर आज हम लोग का बात हुआ और हम लोग इंशाल्लाह बात चली ऊपर में और हम लोग भी चाहते हैं कि निरसा विधानसभा में एक सीट हम लोग को मिले ताकि हम लोग इसमें जोर शोर लगा करके और इसको कामयाब करने की कोशिश करें। इस मसले पर आज हम लोग की बात चल रही थी और इंशाल्लाह हम लोग का ये टारगेट है कि ये एक महीना के अंदर में हम लोग हर वो घर तक जाएंगे जहां गरीब हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, दलित हो, जिसका हक को छीना जा रहा और तरह तरह के वादे लुभाने वाले वादे कर करके उनके वोटों को इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सिर्फ एक वोटर के तौर पर रह जाते हैं, सिर्फ वोट दे के रह जाते हैं। और मजलिस जो है वो ये काम करेगी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी और उसके हक के बाद यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक और हर वोट तक कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग इंशाल्लाह अपने आवाज़ के लिए खड़ा रहेंगे। खास करके जो दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले वर्ग के जितने भी लोग हैं, हमारे एसएन साहब का भी यही स्टैंड है, हमारे पार्टी का ये स्टैंड है कि हम लोग कभी भी कहीं भी रहेंगे तो जुल्म के खिलाफ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं और हमेशा डटे रहेंगे और इंशाल्लाह पार्टी को हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे एक कैंडिडेट हम लोग खोज रहे हैं, कैंडिडेट हम लोग तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे सदर साहब जो है झारखंड के जो प्रेसिडेंट है वो हम लोग का बात चल रहा उनसे और बहुत जल्द हम लोग कैंडिडेट मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग सीट के लिए भी बात करेंगे और उम्मीदवार अपना खड़ा करेंगे। जिस तरह से सब पार्टी अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, हम लोग भी उसी तरह अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि MIM अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा कर दिए, तो ये एक भूलने वाली बात है। हर पार्टी का अपना अपना सोच है, सब लोग एक दूसरे पे लानतान लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर हम लोग जो है अपना मन बना लिए और दिल लगा लिए MIM के प्रति, तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर के साथ लड़ेंगे और अपनी पार्टी को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि निरसा विधानसभा या पूरे हिंदुस्तान में AIMIM पार्टी एक ऐसा इकलौती पार्टी है जो निष्पक्ष पार्टी हमेशा सच का साथ देती है। आज से पहले हिंदुस्तान में मोहम्मद लिंची जैसा घटना हुई, ये घटना का कहीं भी कोई भी पार्टी के सदस्य एक भी आवाज़ उठाने वाले नहीं थे। हमारे असुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसी पार्टी है AIM पार्टी जिसने हमारे पार्टी को मजबूत भी किया और इस पार्टी के जरिए आज मोम लिंचिंग का इस पर जांच भी हो रहा और इंशाल्लाह चल भी रहा। सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमानों को एवं दलित पिछड़े सभी को मिल के एक दूसरे को सहयोग करना और इंशाल्लाह इस पार्टी को इतना मजबूत कर देना आने समय में। हिंसा में हमेशा पतंग लहरा है और पतंग का हम लोग पतंग को बढ़िया से उड़ाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी ने एक बात को रखा झारखंड के लिए कि यहाँ पे झारखंड में अक्सर मॉब लिंचिंग होते हैं यहाँ पे, और अभी निरसा में भी एक मॉब लिंचिंग हुआ था। अर्थन सिंह नाम का एक आदमी हमारी पार्टी गई थी वहाँ पे, इनसे मिला और हम लोगों ने एक गुहार लगाया। अक्षर साहब को भी एक पैगाम हम तक पहुँचा रहे हैं कि उनके साथ एक अच्छा मतलब कि सुलूक हो और उनका जो जाँच में जो कुछ भी गड़बड़ी पाया गया है या गलत तरीके से जांच हुआ है उसको निष्पक्ष जांच करें और जो भी मुजरिम हो उसको जल्द से जल्द सजा मिले। ये हमारा पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग किसी भी कौम के लोग हम लोग कौम नहीं देखते हैं। जो भी गरीब हैं, मजलूम हैं, जो कमज़ोर हैं, हम लोग उसकी ताकत उसकी आवाज़ बन के उभरेंगे। इंशाल्लाह पूरे निरसा में हम लोग इस तरह से अपने पार्टी को परफॉर्म करेंगे कि आने वाला वक्त में लोग देखेगा कि नहीं असल में इस पार्टी में दम था जिन लोगों ने मिलकर काम किया और गरीब और मुसलमान का या फिर आदिवासी का सबका आवाज़ बन के उभरा। एक और निरसा विधानसभा से इंशाल्लाह AIM पार्टी यहाँ से लड़ेगी इस बार 2019 में, और उम्मीद भी करते हैं हम लोग कैंडिडेट की तलाश में इंशाल्लाह बढ़िया कैंडिडेट नज़र में आएंगे और हम लोग AIM पार्टी से इस बार पतंग निरसा की धरती पर उड़ाने वाले हैं। AIM पार्टी में जुड़ के हमको बहुत ही खुशी मिल रही है। ये पार्टी हक का हक दिलाने में बहुत बड़ी योगदान है और इस पार्टी को हम लोग आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर और आगे चल के जो भी होगा हम लोग से काम करेंगे इस पर।